वेलकम स्टूडेंट्स टू मॉड्यूल नंबर टेन ऑफ इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस ये हमारा जो इंट्रोडक्ट्री जो पैकेज था उसमें ये हमारा लास्ट मॉड्यूल है इसके बाद हम जो दूसरे एरियाज़ हैं उनको टच करेंगे इस मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे कि जो डोमेन नॉलेज है उसकी क्या अहमियत है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट और वो क्यों ज़रूरी है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट ये 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 अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जब जॉब चेंज करते हैं कभी एक इंडस्ट्री में कभी दूसरी में कभी तीसरी में लेकिन किसी एक इंडस्ट्री का अगर आपके पास जब स्पेसिफिक नॉलेज होता है तो देन यू बिकम अ गुरु इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड देन यूअर वैल्यू इज डिफरेंट दैन हॉपिंग हेयर एंड देयर एवरी यू नो कपल ऑफ बंस आर कपल ऑफ ईयर्स तो देट्स वाई डोमेन नॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपके पास जब डोमेन नॉलेज होता है ना तो आपको ये पता होता है जो हमने एक पिछले मॉड्यूल में पूरा डाटा पाइपलाइन को देखा जो आपका सोर्स सिस्टम्स है ईटीएल है उसके बाद स्टेजिंग है आपका जो डेटा लेक या डेटा वेयर हो उसकी मैनेजमेंट है डेटा मार्ट्स हैं पूरा जो साइकिल है उसके पीछे लॉजिक क्या है बिज़नेस लॉजिक क्या है टेक्निकल लॉजिक क्या है टेक्नोलॉजीज़ क्या इन्वॉल्व है अगर डाटा कम्प्लीटनेस फ़र्ज करें कोई इशू है तो उसको अगर आप डोमेन एक्सपर्ट हैं ना देन यू रियली अंडरस्टैंड कि इस वजह से ये मेरा डाटा इनकम्प्लीट हो सकता है या इस वजह से मेरे रिकॉर्ड इस डाटा में से मिस हैं लेकिन अगर आपके पास डोमेन नॉलेज नहीं है तो यू विल बी फंबलिंग अराउंड आपको समझ नहीं आएगी आप बार बार जाएंगे लोगों से पूछने कि हाँ भाई तुम बताओ तुम बताओ लेकिन अगर आप उस इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं उस डोमेन को अंडरस्टैंड करते हैं तो देन यू आर एट पार विद अंडरस्टैंडिंग ऑल थिंग्स कि अच्छा ये फ़र्ज़ करो अगर हम हेल्थ केयर की बात करते हैं ई की बात करते हैं तो अगर लैब रिजल्ट्स नहीं अटैच तो मे भी वो आपकी इंटीग्रेशन का मसला हो सकता है या वो को, आपको पता है कि वो थर्ड पार्टी से आने थे तो वो नहीं आए किसी एक पेशेंट के या नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के इसी तरह टेलीकॉम में हर इंडस्ट्री में इफ़ यू हैव डोमेन नॉलेज देन यू रियली अंडरस्टैंड के जो किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज है इट विल बी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ये तो सिर्फ टेक्निकली हो गया ना डाटा पे लेकिन अगर जो बिज़नेस प्रॉब्लम है जिसके लिए वो कंपनी ने फर्ज़ करो आपको हायर किया है या जो वो काम उससे वो करवाना चाहते हैं जिसकी बेस पे वो कुछ बिज़नेस डिसीजन करना चाहते हैं वो भी आपको पता होगा यू विल नो एट योर फिंगर टिप्स के अच्छा यार ये इवन सम टाइम मैनेजमेंट कॉल डेटा साइंटिस्ट या एनालिस्ट को अपनी मीटिंग में भी कॉल करते हैं वे यू हैव टू प्रजेंट एट योर ओन कि जी ये आपका मसला था ये मैंने डाटा कलेक्ट किया ये रिजल्ट आया ये आप तभी कर सकते हैं वेन यू हैव अप्रोप्रिएट एंड कंप्रीहेंसिव नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर बिजनेस डोमेन अब जो डोमेन नॉलेज में देर इज समथिंग कॉल्ड एसएमई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने के लिए आपको उस सब्जेक्ट में उस पर्टिकुलर एरिया में डेफिनेटली यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट फ़र्ज़ करें अगर मैं मैनुफैक्चरिंग की एग्ज़ैम्पल दूँ टेक्सटाइल के आप इग्ज़ैम्पल ले लें आप मोटर व्हीकल मैनुफेक्चरिंग की एग्ज़ाम्पल ले लें या आप किसी और इंडस्ट्री की एग्ज़ाम्पल ले लें तो यू विल नो एग्जैक्टली के ये काम के और आप उस काम के एक्सपर्ट बन जाते हैं देखिए तो एक और चीज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग है इसमें एज़ अ डेटा साइंटिस्ट अब फर्ज़ करें हमने मोटर मोटर व्हीकल मैनुफेक्चरिंग की बात की तो उसमें जो इंजीनियर है ना वो सिर्फ मैनुफैक्चरिंग में काम कर रहा है फाइनेंस वाला सिर्फ फाइनेंस में काम कर रहा जो का है जो पार्ट्स का स्टोर है जो स्टोर कीपर है वो सिर्फ स्टोर में काम कर रहा है सेल वाला सिर्फ सेल का काम कर रहा है तो इस तरह की कंपनीज में ऐसे बंदे आप जैसे लोग जो कि डेटा साइंटिस्ट हैं जो कि एंड टू एंड पूरे प्रोसेस को समझते हैं एग्जिस्ट नहीं करते यू नो दिस इज़ अ यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन फॉर अ डेटा साइंटिस्ट और स्पेशली अगर आप वो सारी जो हमने बातें डिस्कस की कि आपके पास डोमेन नॉलेज हो आपके पास डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग हो सोर्स सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग हो ये सारी चीज़ें जब आप समझेंगे ना तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी वैल्यू उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या उस इंडस्ट्री में अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में तो आप एक बैंक से अगर दूसरे बैंक में जाते हैं तो यू विल हैव अ यूनिक वैल्यू वैल्यू एडिशन वो पता होगा कि आपके पास एक टैग होगा हाँ जी मैं मिस्टर सोवेंसो आई हैव वर्कड इन दिस बैंक एज अ डेटा एनालिस्ट इतने साल मैंने काम किया और मुझे बैंकिंग का कोर बैंकिंग का पता है मुझे लोन मैनेजमेंट सिस्टम का पता है और मुझे हाउस फाइनेंसिंग का पता है मैं इनके जो सिस्टम है उनको भी अंडरस्टैंड करता हूँ तो दैट इज़ हो यू क्रिएट वैल्यू फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट अगेन आई आई टी रेट कि जो लोग डिपार्टमेंट्स में इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं जैसे मैंने एग्जाम्पल दी फाइनेंस में स्टोर में उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता नंबर वन नंबर टू ये कि उनकी अपनी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑपरेशनल मसरूफियात इतनी ज़्यादा होती हैं कि तो वो उनसे निकल नहीं पाते एंड दे डू नॉट फाइंड टाइम कि वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें जो पूरे प्रोसेस को एंड टू एंड जो पूरी कंपनी का काम है उसको अंडरस्टैंड करें सो दैट इज़ योर यू नो वैल्यू एडिशन जो कि आप एज ए डाटा साइंटिस्ट किसी कंपनी को एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यू नो एड वो वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता अब देखिए कि प्रैक्टिकली हम देखें तो दुनिया में बेशुमार इंडस्ट्रीज हैं आप फार्मिंग में चले जाएं आप पब्लिक आप सर्विस में चले जाएं आप गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं हर जगह पे डेफिनेटली एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट्स हैं और हर जगह पे जैसा कि हमने डिस्कस किया थ्रू आउट हमारे ये जो इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर थे डेटा हर जगह प्रोड्यूस हो रहा है डेटा यू नो Uh, उसको स्टोरेज के मसले हैं उसको एनालिसिस के मसले लेकिन हु इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट हु इज़ गोइंग टू पे यू मोर यू नो तो आपके करियर के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से अब हमने ये देखना है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे डेटा साइंटिस्ट का बहुत ज़्यादा काम है या वेर यू कैन हैव यू नो क्या कहते हैं कि एक ब्यूटीफुल लाइफ या एक स्मार्ट लाइफ एक अच्छे तरीके से आप अपनी जो हैंडसम सैलरी भी हो बाकी फिर जो लवाजमात हैं ज़िंदगी के यू you नो know, तो वो उसके लिए ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप उस डोमेन में जाएँ जहाँ पे देर इज़ मनी जहाँ पे आप एक अच्छे तरीके से अपना यू you नो know, अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें तो टेलीकॉम और बैंकिंग अगेन आई री आई टी रेट अगर हम ये जो एंटरप्राइज लेवल की ऑर्गेनाइजेशन देखें तो टेलीकॉम और बैंकिंग डेफिनेटली ये वो इंडस्ट्री जिनमें देर मोर देन लाइक आई हैव पर्सनली बैंकिंग एक्सपीरियंस कि अगर मैं बैंकिंग में देखूँ तो पंद्रह बीस पच्चीस डिफरेंट सिस्टम उनके पास चल रहे होते हैं नॉट जस्ट कोर बैंकिंग या ई आर पी और बेशुमार सिस्टम उनके पास होते हैं कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम है ए टी एम का सिस्टम है लोन का सिस्टम है जो आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इनके सिस्टम है स्विच है पेमेंट गेट वेज हैं तो बेशुमार सिस्टम होते हैं इसी तरह टेलीकॉम में आप जाएँ आप इमेजिन करें कि एक कॉल जो आप करते हैं जब वो हम अपने फ़ोन से डायल करन, करते हैं और वो दूसरी तरफ जब बंदा उठाता है फ़ोन कितने सिस्टम इन्वॉल्व हैं उसमें फिर उसका जो बिल होता है आपका बेशक आप प्री पेड सब्सक्राइबर हैं या पोस्ट पेड सब्सक्राइबर हैं उसकी बिलिंग के पीछे कितने सिस्टम इन्वॉल्व हैं आप वॉइस कॉल करते हैं आप एस एम एस करते हैं आप एम करते हैं आप यूट्यूब यूज़ करते हैं कोई सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो दिस अ वेरी बिग मैट्रिक्स ऑफ सिस्टम बिहाइंड ऑल दिज ऑपरेशंस यू you नो know, तो जब आप उस एरिया के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगे आप उस डोमेन को अंडरस्टैंड करते होंगे तो इट विल बिकम यू नो समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ये कहेंगे कि हाँ जी मैं अब इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट हूँ मैं इसको इनसाइड आउट जानता हूँ और मैं ये जो है इसमें बहुत अच्छा एनालिसिस करके आपको दे सकता हूँ फिर इंश्योरेंस की भी हमने बात की हेल्थ केयर की भी हमने बात की आप, आप इसको ले लीजिए एरोनाटिकल इंजीनियरिंग उसको ले लें आप ये जो आपकी सिविल एविएशन है उसको ले लें कितने क्रिटिकल है आप ये देखें कि आज के ज़माने में बोइंग है या एयरबस है इनके जो इंजनस हैं वो रियल टाइम डाटा प्रोड्यूस करते हैं जो कि नियर रियल टाइम में उनके जो डाटा सेंटर्स हैं वहाँ पे वो डाटा जा रहा है इस वक्त भी हज़ारों फ़्लाइटें उड़ रही होंगी उन सब का डाटा उनके जो रिस्पेक्टिव डाटा सेंटर्स हैं वहाँ पे जा रहा है इसका मतलब यह है कि अच्छा ये सिर्फ इसके लिए नहीं है इवन के जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो कार के मैनूफेक्चरर्स हैं गाड़ियों के मोटर व्हीकल्स के उनका भी डाटा जैसा जब भी वो गाड़ी सर्विस के लिए जाती है उसका डाटा सारा वो कैप्चर करते हैं इट मीनस कि उनको फिर ये पता चलता रहता है कि जी हमारे इंजन में किस तरह के फॉल्ट ज़्यादा आते हैं ताकि हम अपना इंजन इम्प्रूव कर सकें गेयर बॉक्स में किस तरह के फॉल्ट्स आते हैं या किसी और जो भी आपकी पूरी गाड़ी का मेकनिज़म है किस एरिया में ज़्यादा फॉल्ट आते हैं किस तरह से आते हैं किस एरिया में आते हैं क्योंकि मोस्टली जो आपकी मोटर व्हीकल मैनुफैक्चर दे आर ग्लोबल मैनुफेक्चरर्स तो वो इस तरह से फिर उन चीज़ों को वो देखते हैं इसी तरह आप फार्मिंग दे, दे, की एग्जाम्पल देख लीजिए कि फार्मिंग में एग्रीकल्चर फार्मिंग की मैं बात कर रहा करूँ आप डेयरी फार्म में चले जाएँ आप पोल्ट्री फार्म में चले जाएँ हर जगह जो डेटा है आपका इतना ही इम्पॉर्टेंट है बट अगेन आपने ये देखना कि कौन सी इंडस्ट्री सम यू नो वी हैव एन एप्टीट्यूड कि मुझे एक इंडस्ट्री अच्छी लगती है किसी को दूसरी इंडस्ट्री अच्छी लगती है किसी को तीसरी इंडस्ट्री अच्छी लगती है तो आप अकॉर्डिंगली जो है अपनी इंडस्ट्री चूज़ भी कर सकते हैं और आप ये भी देख सकते हैं कि आपने किस कहाँ पर आप ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं इवन समाइम दिस इज़ आल्सो पॉसिबल कि आपको जहाँ फर्स्ट टाइम ब्रेक मिलती है ब्रेक थ्रू आप अपना करियर शुरू करें दैन यू कैन स्विच बट मेक श्योर कि आप वो इंडस्ट्री सेलेक्ट करें जो कि आप अंडरस्टैंड करते हैं और उसके लिए आप अच्छा काम कर सकते हैं थैंक यू